आज का टॉपिक शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में बच्चों हमने डिस्कशन करा था इकोनॉमिक्स क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स। दो बुक्स हैं आपकी, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा स्टैट्स। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन हो रहा था कि कौन सी बुक खरीदनी चाहिए, तो अकाउंट्स में तो 99% स्कूलों में ऑल ओवर कंट्री कौन सी बुक चलती है, TS ग्रेवाल। तो वो वही लेनी है, आप लोग ले सकते हो, किसी सीनियर से भी ले सकते हो, पुरानी बुक काम चल जाएगा। और जब मैं क्लास में चैप्टर शुरू कराऊंगा तो मैं वो असाइनमेंट, भैया पहला प्रैक्टिकल चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन है, मैं असाइनमेंट ऑलरेडी असाइनमेंट सेक्शन में लगा चुका हूँ BCCF में। ऐसे ही इको में ज़्यादातर स्कूल संदीप गर्ग फॉलो करते हैं, NCERT यहाँ भी नहीं चलती, कुछ स्कूल SK अग्रवाला, कुछ स्कूल TRJN VK ओरी। बट स्कूल जब रिकमेंड करे तब आप ले सकते हो। अभी मैं चैप्टर वाइज आपको प्रिंट दूंगा अपने नोट्स, इसके अलावा स्लाइड चल रही है, डाटा लिखवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, याद करा रहा हूँ एज पर द मार्किंग स्कीम। तो इस चैप्टर का असाइनमेंट भी ऑलरेडी असाइनमेंट सेक्शन BCCF वहाँ पर लगा हुआ है, एपिसोड भी डेली अपलोड हो रहे हैं, तो आप असाइनमेंट से थ्योरी को चेक करा करें कि वो क्या लिखी हुई है, जो हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं उसको आप सुने, याद करें, और फिर कोई भी बुक अगर स्कूल में रिकमेंड कर रखी है तो वो भी ले लें, और तीनों को मिक्स करके नोट्स बनाएं एज पर द मार्किंग स्कीम। 1 मार्कर के लिए कहा था 1 लाइन आंसर, 3 मार्कर 4 मार्कर के लिए बच्चों 50-60 वर्ड्स, और 6 मार्कर के लिए 100-120 वर्ड्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने शुरू करी, पहला क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर रहे हैं जो लास्ट क्लास में हुआ था। पहला क्वेश्चन मैंने याद करा है 1 मार्कर के लिए इकॉनमी, सब मेरे साथ साथ रिवाइज कर रहे हैं। इकॉनमी इज ए सिस्टम इन विच पीपल गेट देयर लिविंग थ्रू द इंडल्जेंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक प्रोडक्शन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। सुनने का काम भी कर लेते हैं जी, गायत्री रिपीट करना मीनिंग ऑफ इकॉनमी। बढ़िया, फिर मैंने यहाँ अगला क्वेश्चन कराया था इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मीनिंग पूछ सकता है, MCQ में टिक कराएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज विच कैन बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, एग्जामिनर इसकी जगह एग्जाम्पल लिखेगा और एक एग्जाम्पल सही 3 गलत, ऑड मैन आउट करने के लिए कहेगा कि कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करी थी, रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज विच कैन नॉट बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। फिर हमने याद करा इकोनॉमिक एक्टिविटी के 5 नाम, प्रोडक्शन कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ मैंने 3 टर्म्स 1 मार्कर के लिए याद कराई, प्रोडक्शन सबने याद कर लिया होगा, मन में रिवाइज कर लें, इंक्रीज इन द यूटिलिटी ऑफ ए कॉमोडिटी इज नोन एज प्रोडक्शन। नियति रिपीट करें, प्रोडक्शन इंक्रीज इन द यूटिलिटी ऑफ ए कॉमोडिटी इज नोन एज प्रोडक्शन। वानी आपको बताने प्रोडक्शन के 3 टाइप बताए थे, चेंज द टाइम इंक्रीज द यूटिलिटी। चलते आगे, नियति कुछ पूछना चाह रहे थे, कंजम्पशन याद कराया था, द यूज ऑफ ए कॉमोडिटी विच गिव्स सेटिस्फेक्शन टू ह्यूमन बींग इज नोन एज कंजम्पशन। और फिर याद करा था इन्वेस्टमेंट, एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन ओवर द कंजम्पशन नोन एज इन्वेस्टमेंट। कृत्या रिपीट करो इन्वेस्टमेंट, प्रभनूर आप भी बोले इन्वेस्टमेंट, इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। अगला शब्द याद करना चाह रहे हैं स्केयरसिटी, 1 मार्कर क्वेश्चन, बस एक लाइन याद करनी है बच्चों। ये शब्द स्केयरसिटी ना होता तो आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स भी ना होता। अच्छा, इकोनॉमिक्स को लेके मैंने बचपन में याद कराया था आपको, इकोनॉमिक्स में फादर ऑफ इकोनॉमिक्स अर्शमैन क्या बताया था बच्चों, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स याद करा था एडम स्मिथ। ये घटना कब घटी है, 1776 में। तो ये सब्जेक्ट किस वजह से बना, वो कंसेप्ट सामने चल रहा है, स्केयरसिटी हिंदी में बोलते हैं दुर्लभता। इस बात को समझने के लिए आपको 2 टर्म्स और सीखनी पड़ेंगी, पहला डिमांड और दूसरा सप्लाई। अरे सबने सुना है डिमांड को, बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड, वानी डिमांड
भाई हम सुबह से शाम तक दुनिया भर की चीज़ें मांगते हैं, डिमांड करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन, फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ वांट्स। तो इट डिमांड भैया आपका चैप्टर है, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो, मैं टेक्निकल लेवल बोलता हूँ, कोशिश करो याद करने की। क्या बढ़िया बात है, नाम बताओ अपना। तनिष्क, कनिष्क, कनिष्क भैया टेक्निकल लैंग्वेज बोल रहे हैं बुकिश, तो ये कैसे याद करी भैया, अभी तो किताब खरीद ली है। और मेरा लेक्चर कहाँ से देखा, मैंने तो अभी अपलोड नहीं करा बीसीसी ऐप पर। अरे वाह, बच्चा कह रहा है यूट्यूब से भैया लेक्चर देखा, ये तैयारी है भैया। डिमांड इज एन इफेक्टिव डिजायर विच कैन बी फुलफिल्ड ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट ए पर्टिकुलर प्राइस। भैया चैप्टर है बहुत डिटेल में, डिमांड, हम सुबह से शाम तक दुनिया भर की चीजें मांग रहे हैं अपनी वॉन्ट्स को फुलफिल करने के लिए, तो उसे ही बोल रहे हैं डिमांड। टेक्निकल लेवल बोलूंगा, डिमांड इज एन इफेक्टिव डिजायर विच कैन बी फुलफिल्ड ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट ए पर्टिकुलर प्राइस। पानी बोल पाओगे? अब सुनो ध्यान से, खाली डिजायर भैया, इच्छाएं दो प्रकार की होती हैं, डिजायर्स, एक वो जो सिर्फ इच्छा ही रहती है जिसे हम सपने बोलते हैं जो पूरी नहीं होती, और दूसरी डिजायर वो जो हम फुलफिल कर सकते हैं, जो डिजायर फुलफिल हो सके उसे बोलते हैं इफेक्टिव डिजायर। इफेक्टिव डिजायर है तो डिमांड है, सिंपल डिजायर है तो डिमांड। भैया एग्जाम्पल लेता हूँ, आपकी पॉकेट में 50 रुपीज, बाजार में जा रहे हो आइसक्रीम खानी है, पॉकेट में 50 रुपीज है, बाजार में जो आइसक्रीम खरीदना चाह रहे हो, कसाटा खरीदना चाह रहे हो, वो बाजार में अवेलेबल है बिकने के लिए, उसका प्राइस भी 50 है। ये है इफेक्टिव डिजायर, जिसको फुलफिल करने के लिए पॉकेट में पैसा है, बाजार में वस्तु बिकने के लिए अवेलेबल है, और आप बाजार में जा चुके हो, बस खरीदी नहीं है अभी, इसे क्या बोल रहे हैं, इफेक्टिव डिजायर। दूसरी डिजायर सुनो जो पूरी नहीं हो सकती, आपको ऐसा लग रहा है कि आप चांद को तोड़ के और जेब में डाल लो, भाई इच्छा तो ये भी है ना, इच्छा तो तुम्हारी कुछ भी हो सकती है, चांद को तोड़ लाओ, तो बताओ ये डिजायर फुलफिल हो सकती है वानी? तो इससे डिमांड क्रिएट नहीं होने वाली। तो भैया स्टेटमेंट में शब्दों की कलेक्शन बहुत ध्यान से करती है, तो मैंने शब्द क्या बोला है, इफेक्टिव डिजायर, समझ में आया, इफेक्टिव कौन सी, जो फुलफिल हो सके, जो पूरी ही नहीं हो सके वो डिमांड बनेगी ही नहीं। तो मैंने क्या बोला, डिमांड इज एन इफेक्टिव डिजायर विच कैन बी फुलफिल्ड ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ। अच्छा एग्जाम्पल लो, 50 रुपये जेब में, आइसक्रीम खाना चाह रहे हो, कोई बोले कब, आपको अगले जन्म में, टाइम का ही नहीं पता कब खानी है, बस खानी है, ये भी डिमांड नहीं है। डिमांड के लिए मैंने लैंग्वेज क्या बोली है, विद इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, वो टाइम पता होना चाहिए, एक दिन में खानी है, एक महीने में खानी है, एक साल में, इस साल में हम आइसक्रीम खा लेंगे और जेब में पैसे हैं और बाजार में बिकने के लिए अवेलेबल है, यस इट इज डिमांड। तो डिमांड के लिए पहली शर्त क्या है, इफेक्टिव डिजायर, दूसरी शर्त क्या है, विद इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, और तीसरी बात है बोल नहीं रहे, एट ए पर्टिकुलर प्राइस। भैया जो चीजें बिना कीमत के मिले और बिना कीमत के मांगो वो डिमांड भी नहीं है। अरे भगवान से बहुत सारी, हवा जिसमें आप सांस लेते हो आप डिमांड कर रहे हो और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, वो डिमांड नहीं है। डिमांड के लिए क्या होना चाहिए, आप ऐसी चीज मांग रहे हो जो बाजार में प्राइस पर बिकने के लिए अवेलेबल है और तुम्हारी जेब में उसकी कीमत है पे करने की। अच्छा तुम एक मकान खरीदना चाह रहे हो 50 करोड़ का और जेब में 5 का सिक्का लेके घूम रहे हो, ये भी डिमांड, पैसे ही नहीं है ना। तो कलेक्टिवली तीन बातों को जोड़ना है भैया आगे चैप्टर में, इस चैप्टर के बाद, इंट्रो के बाद अगला चैप्टर कंज्यूमर बिहेवियर डिमांड का ही चलने वाला है, बहुत डिटेल में, सबसे बड़ी यूनिट है आपकी पूरी माइक्रो की। तो डिमांड के बारे में मैंने क्या बोला है, डिमांड इज एन इफेक्टिव डिजायर विच कैन बी फुलफिल्ड ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट ए पर्टिकुलर प्राइस। इफेक्टिव डिजायर बोलना जरूरी है, ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम बोलना जरूरी है, एट ए पर्टिकुलर प्राइस। बोल पाएंगे? बोलो। पिया बोल पाओगे? पिया गांधी, डिमांड इज एन इफेक्टिव डिजायर विच कैन बी फुलफिल्ड
ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट ए पर्टिकुलर प्राइस. गायत्री बोल सकते हो? बढ़िया. ये जाके अगले चैप्टर में हम याद करेंगे. सप्लाई अगला शब्द है. ये भी अपने आप में चैप्टर है जो आगे आप डिटेल में पढ़ोगे. तो सप्लाई के बारे में कोई बताएगा? मानी आप बता सकते हो सप्लाई क्या? बढ़िया. सप्लाई को डिक्शनरी में बोलते हैं अवेलेबल इन द मार्केट फॉर द पर्पज ऑफ सेल. जो वस्तु बाजार में बिकने के लिए अवेलेबल है. याद रखना फ्री में नहीं है, कीमत पर बिकती है कोई चीज. साथ में कंडीशन है गिवन पीरियड ऑफ टाइम, साथ में कंडीशन है एट ए पर्टिकुलर प्राइस. बाजार में आप कुछ खरीदने गए, फॉर एग्जाम्पल ये पेन, तो बाजार में कोई बेचने वाला कह रहा है 100 रुपए में बेचूंगा, तो विलिंग टू सेल ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट ए पर्टिकुलर प्राइस. सप्लाई पता चला बच्चों? विलिंग टू सेल. एक शॉपकीपर ने 10 लाख रुपए के गुड्स अपने शॉप में रखे हैं, प्राइस लगाकर बिक जा बिक जा बिक जा आवाजें लगा रहा है, ये सप्लाई है. 10 लाख रुपए के गुड्स बेचने की कोशिश कर रहा है सप्लाई. इसमें से 1 लाख रुपए के गुड्स बिक जाते हैं सेल, और बाकी बच गए स्टॉक. फर्क समझ में आ रहा है? सप्लाई सेल स्टॉक बिल्कुल अलग अलग कंसेप्ट है. जितना आप इच्छा कर रहे हो बेचने की दुकान पे गुड्स रखकर, 10 लाख रुपए के गुड्स, सब पे प्राइस टैग लगा दिया और टाइम भी फिक्स कर दिया कि 1 साल के अंदर तो बिक ही जा. इसमें से कुछ बिक जाता है सेल, जो नहीं बिकता क्या कहते हैं उसे? स्टॉक. तो सप्लाई की बात कर रहे हैं. सप्लाई बोले तो टोटल क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विलिंग टू सेल ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट ए पर्टिकुलर प्राइस. बोल पाएंगे? विलिंग टू सेल ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट ए पर्टिकुलर. अरे बेचना चाह रहे हो कीमत पर, मुफ्त में दोगे तो सप्लाई नहीं है. गायत्री आइडिया लगा सप्लाई क्या? फिलहाल चैप्टर में जाके याद करेंगे. अभी हम स्केर्सिटी को समझते हैं. इस दुनिया में जब डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, इसी को बोलते हैं दुर्लभता, स्केर्सिटी. और याद रखना किसी भी चीज की जितनी दुर्लभता स्केर्सिटी होती है उतना ही उसका प्राइस होता है. रिवर्स करते हैं इस एग्जांपल को. एयर की बात करते हैं. एयर सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम. पक्का हर्ष मान्य? हवा हमारे पास बहुत ज्यादा है, उसकी सप्लाई ज्यादा है, हमारी डिमांड कम है. नो स्केर्सिटी नो प्राइस. अरे फ्री में मिलती है ना, का रिवर्स करो. वाटर की बात करते हैं. दिल्ली जैसे शहर में डिमांड ऑफ वाटर ज्यादा है और सप्लाई, फ्रेश वाटर की बात हो रही है, डिमांड ऑफ फ्रेश वाटर ज्यादा है. अरे पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है और हमारी जो रिवर्स है यमुना रिवर, उसको हमने गंदा नाला बना दिया है, तो पानी तो पीने के काम आ ही नहीं सकता. तो सप्लाई ऑफ वाटर फ्रेश वाटर कम है, डिमांड ज्यादा है. क्या क्रिएट हुआ? दुर्लभता, स्केर्सिटी. जितना स्केयर है प्रोडक्ट उतना उसकी प्राइस है. तो दुर्लभता थोड़ी सी है तो प्राइस भी थोड़ा सा है. फॉर एग्जाम्पल बॉटल पैक आप खरीदो, 10 रुपए बोलूं भाई, 10 रुपए का एक बॉटल मान लें 1 लीटर. अगर मैं यही एग्जाम्पल यूएई का दूं, यूएई बोले तो यूनाइटेड अरब, अरे दुबई की बात कर रहे हैं, तो दुबई में डिमांड ऑफ फ्रेश वाटर बहुत ज्यादा, सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर बहुत कम. वहां इंडिया के कंपैरिजन में स्केर्सिटी क्या है? ज्यादा है. जितनी ज्यादा स्केर्सिटी उतना प्राइस ज्यादा होगा, जितनी स्केर्सिटी कम होगी उतना प्राइस कम होगा. स्केर्सिटी खत्म हो जाए प्राइस खत्म हो जाएगा. तो इस दुनिया में जिसकी कीमत है वही स्केयर है, और जो स्केयर है उसी को हम अपने सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे. याद रखना इकोनॉमिक्स में मैंने बताया इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच कैन बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ. जिसकी दुर्लभता ही नहीं है, स्केर्सिटी नहीं है, उसका प्राइस नहीं है. जिसका प्राइस नहीं है क्या करोगे पढ़ के? वो समस्या का काम ही नहीं है. हवा फ्री में मिल रही है ना तो इट इज नॉट ए प्रॉब्लम. पानी नहीं मिलता ना फ्री में, प्रॉब्लम है, पैसा देके लेना पड़ता है. अरे बात समझ में आ रही है? स्केर्सिटी वन मार्कर के लिए याद करेंगे. व्हेन डिमांड ऑफ ए कमोडिटी इज मोर देन इट्स सप्लाई इट इज नोन एज स्केर्सिटी. वानी रिपीट करो. सबको क्लियर है? रिवर्स भी बोल सकते हो. व्हेन द सप्लाई इज लेस देन इट्स डिमांड ऑफ ए कमोडिटी इट इज स्केर्सिटी. क्लियर हो गया बच्चों? सप्लाई डिमांड से कम या डिमांड सप्लाई से ज्यादा नोन एज स्केर्सिटी. अच्छा एग्जाम्पल लेता हूं. यू हर्ड अबाउट द नवरात्रे?
द्वितीय मालूम है नवरात्रे आते हैं साल में दो बार, नवरात्रे एंड पटेटो आपस में इंटर रिलेटेड है, बात समझ पा रहे हो या समझाना पड़ेगा? गायत्री पटेटो आलू भैया, नवरात्रे से चार दिन पहले आलू का जो दाम है डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग है, जैसे ही नवरात्रे शुरू होते हैं डिमांड ऑफ पटेटो सप्लाई के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा होते ही स्केयर सिटी चेंज हो जाती है, और स्केयर सिटी चेंज होते ही अगर पटेटो नवरात्रे से पहले 20 रुपए किलो होता है तो नवरात्रे आते ही 40 रुपए, फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, ज़्यादा कीमत हो जाती है, क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन स्केयर सिटी। अरे बात समझ में आ रही है? तो इस दुनिया में किसी भी चीज़ की स्केयर सिटी बढ़ा, दिल्ली में डिमांड ऑफ लैंड, अरे जमीन की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो कीमत करोड़ों रुपए में, अरे जमीन समझते हो ना जिसमें रहते हो, तो दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर चले जाओ, 200 किलोमीटर दूर गांव में जहां पॉपुलेशन कम और जमीन ज्यादा है, वहां भैया कोई मुफ्त में भी नहीं खरीदना चाहता, फॉर एग्जांपल ले रहा हूं, कीमत कम है, क्यों? स्केयरसिटी नहीं है ना, डिमांड कम सप्लाई ज्यादा, तो स्केयरसिटी एसोसिएटेड विद द प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी, एज सुन एज द स्केयरसिटी इंक्रीजेस प्राइस ऑल्सो, और स्केयरसिटी ना हो तो हमारा ये सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स भी ना हो, यानी इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ उन्हीं चीजों की बात करेंगे जिसकी कीमत है, तो वन मार्कर के लिए याद कर लिया होगा, स्केयरसिटी व्हेन द सप्लाई ऑफ ए कॉमोडिटी इज लेस देन इट्स डिमांड इट इज नोन एज स्केयरसिटी, ओनली फॉर वन मार्कर एक लाइन याद करनी है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चल रहा है चैप्टर का, पहला क्वेश्चन जो वन मार्कर थ्री मार्कर फोर मार्कर किसी में भी आ सकता है, क्या बोला है मैंने, थ्री मार्कर फोर मार्कर या वन मार्कर, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, हर व्यक्ति की समस्या, हर घर की समस्या, हर देश की समस्या, जिसे चाहकर भी बदला नहीं जा सकता, ध्यान से सुने तुम्हारी कहानी सुना रहा हूं, पूछेगा एग्जामिनर वन मार्कर के लिए व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो याद करो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, रिपीट लाउडली बोला करो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, समझाता हूं आपको, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेरे पास, नाम बोलो जी, मानसी कभी शादी में गए हो? हाँ, बच्चा कह रहा है बहुत बार मौका मिलता है, शादी में गए, लॉट ऑफ वैरायटीज आर देयर, गोलगप्पे की बात करें 40 किलो, आपकी टंकी 400 ग्राम, फिर टिक्की, फिर पापड़ी, फिर फ्रूट, लॉट ऑफ वैरायटीज आर देयर, क्या आप ये सारी चीजें जितनी क्वांटिटी में रखी है कंज्यूम कर सकते हैं? नो, नेवर, सोचना पड़ता है क्या खाएं क्या ना खाएं, व्हाट इज दिस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ, सोचना पड़ेगा ना भैया, कोई फ्रूट से शुरू करता है, कोई चाट पकौड़ी से, बट इट इज ए बिग प्रॉब्लम, सोचना तो पड़ेगा, समझ पा रहे हैं, प्रॉब्लम ऑफ, अच्छा बच्चे कह रहे हैं भैया पढ़ाई को लेके बता दो, आफ्टर टेंथ क्लास देर आर थ्री अपॉर्चुनिटीज, ह्यूमैनिटी बोलते जाओ जी, अरे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, स्कूल टू स्कूल वेरी करता है, ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है, ह्यूमैनिटी साइंस कॉमर्स, क्या आप ये तीनों एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो? यू हैव टू सेलेक्ट ओनली अगेन द काइंड ऑफ प्रॉब्लम नोन एज प्रॉब्लम ऑफ, सेलेक्ट करना होगा इसमें से किसी एक को, वो अलग बात है मम्मी के कहने से सेलेक्ट करें, पापा के कहने से सेलेक्ट करें, अपने ब्रेन की कैपेसिटी से एनालाइज करके सेलेक्ट करें, या दोस्तों के कहने से सेलेक्ट कर लें, या टीचर के कहने से सेलेक्ट करें, सेलेक्ट तो एक करना पड़ेगा, बट इट इज ए बिग प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ, बाजार गए हो कभी मानसी, जेब में 100 का नोट, लेट इट बी अज्यूम बाजार में गए हैं, 100 रुपए की इतनी सारी चीजें आती हैं, खाने की, कपड़ा, बहुत सारी चीजें, मान लो 1000 चीजें हैं मार्केट में, हर किसी का दाम 100 रुपया, क्या आप 100 के एक नोट से सारी खरीद लोगे? जितनी भी चीजें अवेलेबल हैं दो, उनमें से कोई एक खरीदनी होगी, कौन सी? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक, भाई जी नाम क्या बताया था आपने? निमित खंडेलवाल, आप ये बताएं आपके घर में टीवी का डब्बा है, आवाजें आती हैं उसमें से? बच्चा कह रहा है बच्चे को समझ ही नहीं आई, अरे टीवी का डब्बा बोलता हुआ आवाजें आती हैं उसमें से? अरे चैनल वैनल चलते हैं उसमें तो आवाजें आती है ना, आप बताओ एक चैनल है कि बहुत सारे चैनल हैं, क्या आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर वो सारे, माना 500 चैनल हैं, 500 चैनल एक साथ देख सकते हो?
you have to select only one. Again the kind of problem, problem of choice. आपको कोई एक सेलेक्ट करना होगा तुम्हारी इसी नेचर को, जिस नेचर को बदला ना जा सके. बाय बर्थ गॉड गिफ्टेड टिल द डेट ऑफ टिंग टोंग डेथ. क्या ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इकोनॉमिक हर व्यक्ति की समस्या, हर घर की समस्या, हर देश की समस्या. आपके पास इतने सारे सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए, अरे है नहीं एक से ज्यादा. एक पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या आप ये सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हो? मैथ, अकाउंट, सीखो सब. यू हैव टू सेलेक्ट ओनली वन. अगेन द काइंड ऑफ प्रॉब्लम नोन एज इकोनॉमिक प्रॉब्लम. क्या है ये? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. जिसको सेलेक्ट करोगे बाकी छूटता है. तो याद कर लो वन मार्कर के लिए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. वाणी रिपीट करें क्या बोला है मैंने वन मार्कर के लिए. गायत्री रिपीट करें इकोनॉमिक प्रॉब्लम. प्रभनूर वंस अगेन, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. अब हम बात करते हैं इसको थ्री मार्कर फोर मार्कर के लिए. ये आपको पता चल गया हर व्यक्ति की समस्या, हर घर की समस्या, हर देश की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, बोले तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम. अब मेरा क्वेश्चन है ये क्रिएट कैसे होती है, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों उत्पन्न होती है, क्यों हो तुम ऐसे कि टीवी के 100 चैनल है सारे एक साथ देख नहीं सकते, 5 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मिले हैं सारे एक साथ पढ़ नहीं सकते, शादी में जा रहे हो तो भैया सारी चीजें खा नहीं सकते और जितना मर्जी खा नहीं सकते, सोचना पड़ता है क्या खाएं क्या ना खाएं. इसका कारण तीन है. कितने कारण है? सामने लिखे हुए, आगे पीछे मत कर देना, सीक्वेंस यही याद करनी है. ये आपका ह्यूमन बिहेवियर है जो मैं समझा रहा हूं, जिसे आप चाहकर भी बदल नहीं सकते. इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोले तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस विच कैन बी अराइज ड्यू टू फॉलोइंग थ्री रीजंस. विच कैन बी अराइज ड्यू टू फॉलोइंग थ्री रीजंस. पहला, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. जब से इस दुनिया में आए हो अनगिनत इच्छाओं के साथ पैदा हुए हो. तुम अपनी इच्छाओं को अपनी मर्जी से कम ज्यादा नहीं कर सकते. तुम्हें तो होश भी नहीं है कि कितनी इच्छाएं तुम्हारे साथ हैं. अनलिमिटेड वांट्स, ना खत्म होने वाली कहानी. एक इच्छा पूरी नहीं होती दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी पूरी नहीं होती तीसरी चौथी. अरे इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी से पूछ लो जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, क्या सारी इच्छाएं पूरी हो गई? वो भी बोलेगा नो, नेवर. 100 साल, 200 साल, 500 साल, जितने मिल जाए सब कम है. वाणी बात समझ में आ रही है? तो पहली नेचर आपकी क्या है? गॉड गिफ्टेड, यू कांट बी चेंज. ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, गॉड गिफ्टेड है ये. और समस्या क्रिएट क्यों होती है? योर वांट्स आर अनलिमिटेड. इन अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए अगर आपके पास रिसोर्सेज भी अनलिमिटेड होते तो समस्या कोई नहीं थी. लेकिन समस्या क्रिएट होती है, वांट्स अनलिमिटेड है. कपड़े चाहिए दुनिया भर के, मकान चाहिए बड़े से बड़ा, और जितना बड़ा मिल जाए फिर लगता है ये भी कम है. जब 50 रुपये होते हैं तो 100 की चिंता होती है, 100 होते हैं तो 1000 की चिंता होती है, 1000 होते हैं तो 1,00,000 की चिंता होती है. ये तुम्हारा जो माइंड है ना, जब तक तुम ऊपर नहीं जाते तुम्हें जीने नहीं देता. अरे बात समझ में आ रही है? जो मिल जाए कम है. तो वांट्स आर अनलिमिटेड, टू फुलफिल दीज अनलिमिटेड वांट्स अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज आर लिमिटेड. जो भी कुछ तुम्हारे पास है वो कुछ भी तो अनलिमिटेड नहीं है. तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा खाना, तुम्हारा मकान, और तो और तुम्हारा समय जो तुम्हें मिला है. हालांकि तुम्हें इसका कुछ अता पता नहीं है कि कब जाओगे. बहन जी जाओगे? हाँ जाएंगे. पता है कब है? देखो कितनी अजीब सी बात है, ध्यान से सुनना. देखो पढ़ाई चल रही है लेकिन बात सोचने वाली है. इस दुनिया में जब कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हो मार्केट में, एक्सपायरी चेक करते हो. अरे बाजार से कुछ खरीदा है? एक्सपायरी चेक करते हो, एक्सपायरी लिखी होती है उसके अकॉर्डिंग खरीदते हो. तुम सबको मालूम है तुम्हें जाना है. आर यू नो यूर एक्सपायरी? अरे मालूम है कब जाओगे? अर्ष मान्या कह रही है पता है, तो पता होना चाहिए ना. अरे पता होगा तो प्लानिंग हो जाएगी ना कि 60 साल मिले हैं तो 60 साल में कैसे रिसोर्सेज को यूज करें ताकि रिवॉर्ड शुड बी मैक्सिमम. जीवन को ज्यादा बेहतर तरीके से प्लान कर पाओगे. यहां आदमी नोट इकट्ठा करता रह जाता है, पता चलता निकल लिया और इकट्ठे करे पैसे किसी काम, क्योंकि एक्सपायरी नहीं मालूम. तो मैं कह रहा हूं समय भी आपके पास अनलिमिटेड
कपड़े, पैसा, मकान, कुछ भी आपके पास, तो सोचना पड़ता है इस लिमिटेड समय में जीवन को बेहतर तरीके से कैसे जिए। खाना खाने गए थे थोड़ी देर पहले, आप गए थे ना शादी में, नियति एग्जाम्पल था। अच्छा, अरे अरे एग्जाम्पल था, शादी में खाना खाने गए थे। तो प्रॉब्लम क्या है, खाना इतना सारा है और सारी चीज़ें इंसानों के लिए बनी है, वांट्स आर अनलिमिटेड, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारे रिसोर्स यानी तुम्हारी टंकी लिमिटेड है। तुम जितना मर्जी चाह के भी खा नहीं सकते, जिसके चलते तुम्हें सोचना पड़ेगा क्या खाएं क्या ना खाएं। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, एंड प्रॉब्लम बिकम्स मोर क्रिटिकल जब ये तीसरा फीचर सामने लिखा ही आता है, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेट यूजेस, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेट। पहली दो बातों से ही प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्रिएट हो चुकी है, लेकिन ये प्रॉब्लम और क्रिटिकल हो जाती है जब पता चलता है जो आपके पास है उसके यूज बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, 10th क्लास में आपको कितना समय मिला पढ़ाई करने के लिए, मानसी बताएगी, खबरदार किसी ने 2 साल बोले तो। हाँ जी, मानसी कह रही है 1 साल। कितने सब्जेक्ट थे मानसी? बच्चों ध्यान से सुनना, योर वांट्स आर अनलिमिटेड, पढ़ने के लिए इतना कुछ है, एक किताब खत्म कर लो, दूसरा रिफ्रेशर, तीसरा रिफ्रेशर, चौथा रिफ्रेशर, दुनिया भर के असाइनमेंट, वो अलग बात है पढ़ाई करनी बंद कर देते हो, लेकिन उस चैप्टर से रिलेटेड नॉलेज पढ़ाने का काम बहुत कुछ है, बहुत सारे असाइनमेंट्स, बहुत सारी किताबें खत्म करने को है, यानी वांट्स आर अनलिमिटेड, इतना कुछ पढ़ने के लिए है जिसे गिना नहीं जा सके, लेकिन इन सबको पूरा करने के लिए जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपका वक्त, आपकी किताबें, सब कुछ तो लिमिटेड है। कितना समय मिला? 1 साल। और पता चला इस 1 साल में इन 5 सब्जेक्टों में से कौन सा पढ़े कौन सा ना पढ़े, यही अपने आप में समस्या है। मैथ्स पढ़ो इंग्लिश छूटती है, इंग्लिश पढ़ो हिंदी छूटता है, और ये प्रॉब्लम और क्रिटिकल हो जाती है जब पता चले ये 1 साल जो 5 सब्जेक्टों के लिए मिला है ये कम है, लेकिन आपको इस साल में पढ़ाई के अलावा खाना भी खाना है। आपको मालूम है निमित, आप एक दिन में 3-3 बार खाना खाते हो, तो 1 साल में कितनी बार खाना खाया है आपने, कितना समय आपने लगाया होगा, 1 महीना, अरे टोटल करो तो 20-30 दिन का टाइम बन जाएगा, इतने दिन तो खाते ही रहते हो। तो इसके अलावा सोना भी पड़ता है, 8 से 10 घंटे सो रहे हो तो पूरे साल में कितना टाइम आपको सोने में निकालना पड़ता है, इसके अलावा खेलना भी होता है। पबजी खेलनी आती है? है, एक बच्चा कह रहा है मैं एक्सपर्ट हूं, तो मैं तो एग्जांपल ले रहा हूं, खेलना भी होता है, सोना भी होता है, रिश्तेदारी भी है। तो पता चला वो 1 साल जो सिर्फ पढ़ाई के लिए ही कम था और उसमें सोचना था क्या पढ़े क्या छोड़े, तो पता चला वो 1 साल भी नहीं मिला, इतना सारा समय सोने में जाएगा, खाने में जाएगा, रिश्तेदारी में जाएगा, खेलने में जाएगा, तो प्रॉब्लम बिकम्स मोर क्रिटिकल। एग्जाम्पल चेंज करते हैं, आपकी जेब में पैसा है माना 10,000 रुपया, अगर ये पैसा लिमिटेड है, ये पैसा काउंटेबल है, इस पैसे से खाना खाना है, वांट्स आर खाने की चीजें इस दुनिया में इतनी है ना, खत्म होने वाली कहानी, अनलिमिटेड वांट्स, इन सारी चीजों को मात्र 10,000 रुपए में खरीदा नहीं जा सकता, सोचना पड़ेगा इस 10,000 में क्या खरीदें और क्या छोड़ें। लेकिन प्रॉब्लम और क्रिटिकल हो जाती है जब पता चलता है इस 10,000 रुपए में स्कूल की फीस भी देनी है, मकान का किराया भी देना है, कपड़े भी खरीदने हैं, तो ये 10,000 जो सिर्फ खाने के लिए कम थे ये खाने के लिए भी कहाँ है, इतनी सारी चीजों में आपने बंटवारा करना है, क्योंकि इस पैसे के बहुत सारे यूज हैं। अल्टरनेट यूजेस, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेट, प्रॉब्लम बिकम्स मोर क्रिटिकल। क्लियर हो गया? आगे पीछे नहीं याद करेंगे, मैं बोलता हूँ, वन मार्कर के लिए याद करा चुका हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। 3 नंबर के लिए आ जाए तो यही लाइन लिख के इसको आगे एक्सप्लेन करना। इट कैन बी अराइज ड्यू टू फॉलोइंग 3 रीजंस। पहली बात, पहली हेडिंग बोल रहा हूँ, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, और उसके नीचे कोई एग्जाम्पल समझाना। कोई भी रिफ्रेशर आप खरीदोगे, हर रिफ्रेशर में स्टोरी अलग अलग चलेगी, एग्जाम्पल अलग अलग चलेगा। बुक का एग्जाम्पल लो, अपना बनाओ, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको सुनाए हैं, खाने पीने का एग्जाम्पल, मार्केट का एग्जाम्पल बताया है, स्टडी का एग्जाम्पल बताया है। तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड हेडिंग, कोई एग्जाम्पल से एक्सप्लेनेशन। दूसरी हेडिंग, टू फुलफिल दीज अनलिमिटेड वांट्स, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और फिर एग्जाम्पल, और उसके बाद तीसरी हेडिंग, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेट यूजेस। कुल मिला के 3 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन आए,
Economic problem is basically a problem of choice which can be arise due to following reasons. Number one, human wants are unlimited. Number two, to fulfill these unlimited wants, resources are limited. And number three, problem becomes more critical when resources have alternate uses. पैसे से सिर्फ खाना खाना होता समस्या थी लेकिन गंभीर नहीं थी, लेकिन पता चला कपड़े भी खरीदने, पता चला मकान भी खरीदना है, पता चला एजुकेशन में भी पैसा लगाना है, तो प्रॉब्लम बिकम्स मोर क्रिटिकल। ये 10,000 खाने के लिए कम थे, पता चला 10,000 खाने के लिए है ही नहीं, इसमें से आधे पैसे बाकी चीजों पे लगाने हैं। आइडिया लग गया सबको? गायत्री रिपीट करोगे? वानी सिर्फ तीनों हेडिंग बोलनी है सीक्वेंस वाइज। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, बढ़िया, नियति याद हुआ? सिर्फ तीन फीचर्स, पहली बात तो याद कर चुके हो, इट इज बेसिकली अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, अराइज ड्यू टू फॉलोइंग थ्री रीजन, स्टार्ट नियति, पहला Human wants are unlimited. Number two, to fulfill these unlimited wants, availability of resources are limited. Number three, problem becomes more critical when resources have alternate uses. भैया economic problem को book में देखो किस तरीके से लिखा है, it is basically a language सामने, it is basically a problem of choice. Create होने के तीन कारण है, इसी में लिखे हैं। पहली बात, your wants are unlimited. To fulfill these unlimited wants, availability of resources are, and problem becomes more critical when resources have alternate uses. चले आगे बच्चों, क्लियर है मानसी? अभी तक इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन जो 3 marker 4 marker का इकोनॉमिक प्रॉब्लम खत्म, अगला क्वेश्चन चल रहा है इकोनोमाइजिंग 1 marker के लिए। वानी बता सकते हो इकोनोमाइजिंग क्या? गायत्री कौन बोलेगा? प्रभनूर? अच्छा मेरा क्वेश्चन है प्रभनूर से, प्रभनूर आपके घर में टीवी है, माना 100 चैनल एक साथ, 100 चैनल की ऑप्शन है, 100 चैनल्स, उसमें से आपने सिर्फ एक पर्टिकुलर चैनल कार्टून का सिलेक्ट करा और वही आप देखना चाह रहे हैं और आप कह रहे हैं बाकी कोई चैनल नहीं देखना, तो आपके इस करेक्टर को क्या बोलेंगे? नेचर है आपकी? पापा कहते हैं न्यूज चैनल देखेंगे, मम्मी कहती है खाने की कोई डिश बनाने वाला चैनल देखेंगे, आप कह रहे हो कार्टून चैनल देखेंगे, तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है। कौन सी चॉइस सेलेक्ट करोगे जो आपके अकॉर्डिंग बेस्ट हो, जो आपके अकॉर्डिंग बेस्ट हो, आपकी इसी नेचर को बोलते हैं इकोनोमाइजिंग। ऐसा समझो, एग्जांपल नंबर टू, आप मार्केट में 100 रुपीज लेके गए, बाजार में 1000 प्रोडक्ट ऐसे है जिसका दाम है 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया। रामलाल जा रहा है तो गोलगप्पे खरीद रहा है, दीनदयाल जा रहा है तो टिक्की खरीद रहा है, आप जा रहे हो तो कपड़े खरीद रहे हो, कोई और जा रहा है तो कुछ और खरीद रहा है। आप जो भी कुछ खरीदोगे उन 1000 प्रोडक्ट में से कौन सा खरीदोगे जो आपके अकॉर्डिंग बेस्ट है, जिसकी जरूरत आपको सबसे ज्यादा है? ऐसे ही नहीं बाजार में गए और कुछ भी खरीद के लेके आ गए, ऐसे थोड़ी ना होता है। तुम्हारी इसी नेचर को क्या बोल रहे हैं? भाई टीवी जाके चलाया, इतने सारे चैनल चल रहे हैं तो थोड़ी देर के तो पलटोगे सारा, रामलाल चैनल, दीनानाथ चैनल, सीताराम चैनल, उसके बाद सिलेक्शन कौन से चैनल के करोगे जो आपके अकॉर्डिंग बेस्ट होगा। समझ में आ रहा है? और ये पर्सन टू पर्सन चेंज होगा। अभी मैंने एग्जांपल लिया, आपके घर में कोई एक कहेगा न्यूज चैनल, दूसरा कहेगा फूड चैनल और तीसरा कहेगा कार्टून चैनल, एग्जाम्पल ले रहा हूं, जिसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट हो। क्लियर है? क्या बोलते हैं तुम्हारी इस नेचर को? अरे सामने लिखा हुआ है इकोनोमाइजिंग रेफर्स टू ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टर, शब्दों को सुनो, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज नोन एज इकोनोमाइजिंग। जोर से बोले गायत्री। अरे दोबारा बोलू क्या? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज नोन एज इकोनोमाइजिंग।
नहीं नहीं पूरी लैंग्वेज, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज नोन एज इकोनोमाइजिंग। कहीं दिक्कत लगे लिख लिया करो, मुझे थोड़ी देर के लिए रुकवा दिया करो कि भैया एक बार लिखेंगे। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज नोन एज इकोनोमाइजिंग। एग्जाम्पल ले लेता हूं, 100 रुपए में बाजार में पहली वस्तु मिल रही है प्रोडक्ट ए, एक और वस्तु का दाम 100 रुपए है प्रोडक्ट बी, एक और वस्तु का दाम 100 रुपए है प्रोडक्ट सी। आप गए, आप नेचर के अकॉर्डिंग, आपको अरे हर व्यक्ति के लिए रिक्वायरमेंट अलग अलग है। माता जा रही है तो बाजार में सब्जी खरीदना प्रायोरिटी होगी, अरे बस प्रायोरिटी है ना, घर जाके खाना बनाना है, तो हर किसी की प्रायोरिटी समय के साथ साथ सिचुएशन के साथ साथ बदल जाती है, वो उसके अकॉर्डिंग पैसे की डिसीजन लेगा कि कहाँ लगाएगा। तो आपके पास 3 चॉइस है, ए बी सी, सबका दाम 100 रुपया, आपके अकॉर्डिंग ए को खरीदना बेस्ट है तो वही खरीदोगे। क्या है ये ए को खरीदना? भैया आपको ना पढ़ाई का एग्जांपल लेता हूँ, आफ्टर 10th क्लास देर आर थ्री अपॉर्चुनिटीज ह्यूमैनिटी साइंस एंड कॉमर्स, आउट ऑफ दीज यू हैव टू सेलेक्ट ओनली वन विच इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू यू। आपके अकॉर्डिंग आप बेस्ट का सिलेक्शन कर रहे हो, किसी को लगता है वो ह्यूमैनिटी अच्छे से करेगा वो ह्यूमैनिटी को सेलेक्ट कर रहा है, जिसको लग रहा है ह्यूमैनिटी में ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट आएगा, तैयारी कंफर्टेबल है तो वो ह्यूमैनिटी को सिलेक्ट करेगा, किसी को लगता है कॉमर्स को सिलेक्ट करके कैरियर अपॉर्चुनिटीज बढ़िया बनाई जा सकती है वो कॉमर्स को सिलेक्ट करेगा, किसी को लगता है साइंस की सिलेक्शन से कैरियर अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा बेहतर मिलेगी और उसका पैशन है तो वो सिलेक्ट करेगा। लेकिन जो भी करोगे आप अपने अकॉर्डिंग करोगे, इन 3 में से कोई एक जो आपके अकॉर्डिंग बेस्ट है, तुम्हारी इसी नेचर को कहा जा रहा है इकोनोमाइजिंग का लैंग्वेज। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, भैया तुम्हारे 3 यूजेज हैं अभी 11th क्लास में, ह्यूमैनिटी कॉमर्स एंड साइंस, आउट ऑफ दिस यू हैव टू सेलेक्ट ओनली वन विच इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू यू इज नोन एज इकोनोमाइजिंग। लैंग्वेज क्या बोली है मैंने? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज नोन एज इकोनोमाइजिंग। क्लियर हो गया सबको? गायत्री रिपीट करना। इकोनोमाइजिंग, चलेंगे आगे, 1 मार्कर क्वेश्चन चल रहे हैं सब। अगला क्वेश्चन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसका एक और नाम है अल्टरनेटिव कॉस्ट, और ये टॉपिक दोबारा आएगा कॉस्ट के चैप्टर में, आगे हम कॉस्ट का चैप्टर पढ़ेंगे, वहां रिपीट करेंगे ये शब्द 1 मार्कर के लिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अल्टरनेटिव कॉस्ट। इस दुनिया में जब भी आप कुछ खरीदते हो मुफ्त कुछ नहीं मिलता आपको, जो भी अपॉर्चुनिटी आप सेलेक्ट करोगे, आफ्टर सिलेक्शन ऑफ डेट अपॉर्चुनिटी वट एवर यू हैव टू पे इज नोन एज कॉस्ट ऑफ डेट अपॉर्चुनिटी। एग्जांपल लेता हूँ, आफ्टर 10th क्लास कितनी अपॉर्चुनिटीज आपके पास? 3, ह्यूमैनिटी कॉमर्स एंड साइंस, आउट ऑफ दीज 3 अपॉर्चुनिटीज यू हैव टू सेलेक्ट 1 अकॉर्डिंग टू यू। माना आपने कॉमर्स की सिलेक्शन कर ली, तो भैया कॉमर्स की सिलेक्शन मुफ्त में थोड़ी ना हो रही है, कॉमर्स की सिलेक्शन के बाद यू हैव टू पे फीस टू स्कूल डिपार्टमेंट, कोचिंग लेनी पड़ेगी, वहां फीस देनी पड़ेगी, कॉपी किताबें लिखना याद करना समय लगाना, मुफ्त कुछ नहीं मिलता, इतनी सारी चीजें लगा रहे हो जो भी आप पे कर रहे हो तब जाके कैरियर अपॉर्चुनिटीज आपकी आएगी। ये क्या है? कॉस्ट ऑफ डेट अपॉर्चुनिटी, कॉस्ट ऑफ, आपने कॉमर्स सेलेक्ट कर ली तो कॉमर्स को सेलेक्ट करने में वट एवर यू हैव टू पे इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अरे बाजार में सामने वाला कह रहा है सब्जी की दुकान है, 20 रुपए किलो आलू है, 20 रुपए किलो टमाटर है, 20 रुपए किलो गोभी है, आपने इन सब में से सिर्फ टमाटर सेलेक्ट करे हैं और वही खरीदा, आपको शायद उसकी जरूरत सबसे ज्यादा है इसीलिए आपने वो सेलेक्ट करा, मुफ्त कुछ मिलता नहीं है, बदले में जो आपने पे करा वो उस टमाटर को सेलेक्ट करने की कॉस्ट यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लैंग्वेज बोलू, जिसको इकोनोमाइजिंग याद हो गया है उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गिफ्ट में मिलेगा। सिर्फ मॉल में ही 1+1 की स्कीम नहीं होती, यहां पर भी होती है। इकोनोमाइजिंग में क्या याद कर रहा था मानसी? बोलो, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज नोन एज इकोनोमाइजिंग। उसी में ही आप कॉस्ट को जोड़ दो तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट याद आ जाएगा आपको। भाई जो भी आप बेस्ट अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट कर रहे हो उसके बदले में कुछ पे करना पड़ेगा, जो आप पे कर रहे हो वो उस अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट। तो लैंग्वेज क्या बनी?
cost of next best alternative use of resources known as opportunity cost. कौन बोलेगा? कॉस्ट बोलना है, पास सारी लाइन वही है. नियति रिपीट करो. कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. भैया वो नाम बदल देता है, इसीलिए मैं सारे नाम बोल रहा हूँ. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नाम बदल के पेपर वाला क्या पूछेगा? अल्टरनेटिव कॉस्ट. एग्जाम्पल बताया था, आफ्टर 10th क्लास यू हैव 3 अल्टरनेटिव्स, आउट ऑफ दिस यू हैव टू सेलेक्ट कॉमर्स. आफ्टर सिलेक्शन ऑफ कॉमर्स वट एवर यू हैव टू पे नोन एज अल्टरनेटिव कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. वानी रिपीट करे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सबको क्लियर? अर्चमान्य आगे चले. ये मैंने लास्ट क्लास में याद कराया था, आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स. लैंग्वेज याद करनी है वन मार्कर के लिए. इकोनॉमिक्स इज ए सब्जेक्ट ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. जब हम अपने बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, कैसा सस्ता होता है तो ज्यादा खरीदते हैं, महंगा होता है तो कम खरीदते हैं. जब हम खाना खाने की बात करते हैं तो हमारा टारगेट होता है, ध्यान से सुन लो, ये बदला नहीं जा सकता, सेटिस्फेक्शन शुड बी मैक्सिमम. जब आप प्रोड्यूसर होते हो, प्रोड्यूसर, तो आपका एक ही टारगेट होता है, प्रॉफिट शुड बी. ये बदल नहीं सकते कि आप प्रोड्यूसर बन के कह रहे हो हमें तो प्रोडक्शन करना ही नहीं है, फिर आप प्रोड्यूसर ही किस बात के? अभी आप 11th में क्लास में बैठ के ट्राई टू प्रोड्यूस द रिजल्ट ऑफ 11th क्लास, तो आप जितना ज्यादा एफिशिएंट होकर समझने की कोशिश कर सकते हैं ऐसा कर रहे हैं ताकि रिजल्ट शुड बी. ये प्रोड्यूसर वाली कहानी है, प्रोड्यूसर की नेचर, ये सब ह्यूमन बिहेवियर है, प्रोड्यूसर की नेचर है. गॉड गिफ्टेड है, कोई सिखाए ना सिखाए ऐसे आप हो. पढ़ने की बात आती है तो आप कोशिश करते हो रिजल्ट शुड बी. जब खाने की बात आती है तो आप कोशिश करते हो सेटिस्फेक्शन शुड बी. बाजार में जब खरीदने जाते हो तो कोशिश करते हो जितना सस्ता होगा उतना ज्यादा खरीदेंगे, जितना महंगा होगा उतना कम खरीदेंगे, और कीमत ज्यादा हो गई जेब में पैसे ही नहीं है चुपचाप घर आते हो. सामने वाले से लड़ते थोड़े ना, क्यों नहीं दे रहा क्यों नहीं दे रहा. इस बात को समझना, समझाना और अपने जीवन में फॉलो करना क्या कहलाता है? इकोनॉमिक्स. तो लैंग्वेज याद कराई थी. इकोनॉमिक्स इज ए सब्जेक्ट ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. पानी रिपीट करें. प्रभदूर रिपीट करें. बढ़िया. तो भैया यहाँ अगली क्लास में टॉपिक को आगे चलाएंगे इकोनॉमिक्स की फर्दर. दो भैया ब्रांचेस बहुत सारी होती है, बट आपके सिलेबस में बस इसके दो फर्दर क्लासिफिकेशन है. वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो 11th में ही पढ़ रहे हो, और जो 11th में छूट रहा है वो 12th में आएगा, यानी 12th में पढ़ोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो कल की क्लास में यहाँ से आगे चलाएंगे. नोट्स बनाकर बैठना.